सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मेरा जैसे मैं कम्युनिटी में पोस्ट की थी कि मैं अपना ऑफिसर चेंज कर रही हूँ, इंग्लिश कर रही हूँ मुझे, तो मेरा आवाज़ थोड़ा धीरे आएगा। क्योंकि क्यों धीरे आएगा वो मैं उस चैनल पर बता चुकी हूँ कि क्यों धीरे आएगा अभी। तो जो लोग वहाँ से देख कर आए हैं वो लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं कम्युनिटी में पोस्ट लगाई थी कि मैं अपना ऑफिसर चेंज कर रही हूँ, मैं इंग्लिश कर रही हूँ, ये मैं कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी। तो इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या नहीं रीज़न था, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो चाहे काम करते पहले लोग पढ़ाई कर लेते हैं, तब हम लोग आराम से बैठ के बात करेंगे। क्योंकि देखिए बात तो बेबी के सामने भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन पढ़ाई उसके सामने नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मैं पढ़ने वाली हूँ इकोनॉमिक्स, देख सकते हैं आप इकोनॉमिक्स। पहले मैं इसको रिविजन कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। तो इसको पढ़ने के बाद मैं अपना ऑप्शन भी पढ़ूंगी और उसके बारे में डिस्कस भी करूँगी। ऑप्शनल चेंज क्यों किया, ठीक है। मेरा जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल था पहले से, कि हाँ मुझे ऑप्शनल सोशियोलॉजी लेना है, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुझे अपना ऑप्शनल चेंज करना पड़ गया। तो यहाँ पे मैं आपका ये क्वेरीज आ सकता है इन फ्यूचर, तो आपका क्वेरीज क्लियर करना ही मेरा काम है। तो जैसे कि मेरे साथ क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होती हूँ अपने काम को करने को लेकर, कि मुझे इस काम को करना है और मैं नहीं उस काम को कर पाती हूँ, तो मेरे मन में एक बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है, ठीक है। चाहे जैसे भी हो गिल्टी फील, मेरे अंदर गिल्टी फील होता है। तो जैसे सोशियोलॉजी है, तो वो मैं मतलब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, आप लोग के बारे में ऐसा नहीं सोचिए कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर सोशियोलॉजी में 1 मंथ भी अच्छे से पढ़ लूँगी तो मैं उसको अच्छे से लिख सकती हूँ, ठीक है। ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस मुझे कहाँ से मिला है, जब मैं बीएड कर रही थी तब बहुत कुछ ऐसा सिलेबस है वो बहुत कुछ मैच करता है, ठीक है। तो जैसे मैं देख चुकी थी, उसी टाइम मैंने देखा था जिस टाइम मैं बीएड कर रही थी, कि सोशियोलॉजी ऑप्शन लेना मेरे लिए बेटर रहेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई टफ नहीं है, अगर आप अच्छे से डेडिकेटली 1 मंथ भी अच्छे से पढ़ते हैं, सब लोग नहीं, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, अगर मैं 1 मंथ भी पढ़ लेती हूँ अच्छे से, तो मैं उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो मेरे मन में ये आया कि सबसे पहले मुझे उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए जिस 1, 3, 4 निशाना मेरे साथ ये चीज़ है। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश लेती हूँ तो उसके लिए है कि मेरे पास सारे मटेरियल भी हैं। अगर इंग्लिश में लेती हूँ ऑप्शनल, तो मेरे पास मटेरियल भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, प्लस में कि मैं टीचिंग एग्जाम को भी टारगेट कर सकती हूँ, दे सकती हूँ आराम से। थर्ड में ये कि मुझे वो ज़्यादा ईजी पड़ता है पड़ेगा। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा डिसाइड की होती कि मुझे इंग्लिश ही रखना है, ठीक है। इन केस मैं पढ़ती हूँ इसको, 1 साल तो टाइम देने ही वाली हूँ, उसके बाद लगा कि नहीं बहुत टफ है या नहीं हो सकता है, तो मैं सोशियोलॉजी में जंप कर जाऊँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि मुझे इंग्लिश से रखना है। और इसको इसलिए रखना है कि मैं बताती हूँ कि इसके पीछे मैं कितना मेहनत कर रही हूँ और इसको रखने का क्या मेरा पर्पस है। तो अगर आप भी अगर जो भी वीडियो देखेंगे और उनका भी इंग्लिश ऐसा रहेगा लेने का, तो उनको इस वीडियो से आइडिया मिल सकता है। और हाँ, सोशियोलॉजी अगर आपको रखना है तो उसके लिए मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं सोशियोलॉजी नहीं है मेरा, तो मैं आपका हेल्प नहीं कर सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ, इतना मेरे पास मतलब है एक्सपीरियंस कि मैं आपका हेल्प कर सकती हूँ।
तो देखिए जैसे कि सपोज दैट, पहले आपको मैं यहाँ पर कॉपी में दिखाती हूँ लेना चाहिए। देखिए जो मेरा सिलेबस है, वो जो सिलेबस मैं पढ़ चुकी हूँ जो ग्रेजुएशन में मास्टर में, वो मेरा सिलेबस है, ठीक है। और वही अगर सिलेबस तो मैच करता है टीचिंग एग्जाम में, तो देखिए अगर मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, देखिए कर रही हूँ, ठीक है, और मेरे पास लैक ऑफ टाइम है, ठीक है, टाइम का बहुत अभाव है मेरे पास, और मुझे टारगेट अपना अचीव करना है, मुझे सेल्फ डिपेंड बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिपेंड बनना, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इतना मेहनत करती हूँ, रात में जाग के पढ़ती हूँ, अगर मैं दिन रात जाके पढ़ती हूँ, टाइम निकाल के पढ़ रही हूँ, तो अगर मेरा इसी से टीचर भी क्लियर होता है और मेरा यूपीएससी भी क्लियर हो जाता है, तो उससे ज़्यादा क्या हो सकता है अच्छा। और प्लस में मेरा जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो भी डेवलप करेगा। तो यही मैं यही आपको कहूँगी कि कभी भी भीड़ के पीछे मत भागिए कि लोग ये ले रहे हैं तो मैं भी बोलूँगी। आप अपना ऐसा दिमाग लगाइए कि जिससे आपका बहुत सारा चीज़ आपका टारगेट हो सकता है, ठीक है। यूपीएससी जो है वो आपका एक टारगेट है, ठीक है, लेकिन आपको जो जल्दी जल्दी आपको पाना है, हो सकता है आपको कुछ और भी एम हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं इतना सारा अभी कर ली हूँ तैयार मटेरियल, ठीक है, और इसको मुझे पढ़ना है, और यही सब सेम चीज़ है जो मेरे टीचिंग एग्जाम में भी आएगा, ठीक है, वो आपका भी आ सकता है, आप भी अपना सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं तो करके, ठीक है। तो इसीलिए आप मेरे पास सारा बुक्स भी है, मटेरियल भी है, तो जिसके कारण मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे अपना ऑप्शन अभी चेंज करना है और ज़्यादा फोकस करना है अभी अपने ऑप्शन पर, ज़्यादा मैं फोकस करूँगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश है प्लस वो लिटरेचर है, तो ऑब्वियसली बात है लिटरेचर होगा ही, तो मुझे उसको फोकस करना है ज़्यादा। और प्लस में कि मैं जितना पढ़ चुकी हूँ इतने दिन में, मैं ये मेरे माइंड में ये चल रहा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, बताइएगा कि सही सोच रही हूँ या गलत सोच रही हूँ, कि जितना मैं पढ़ी हूँ 2 साल उधर, ठीक है, 1.5-2 साल जो भी पढ़ी हूँ, उसको मैं सबसे पहले रिवीजन करूँगी, 6 मंथ के अंदर रिवीजन करने वाली हूँ सारे चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चाहे वो बुक होगा या नोट्स होगा। और प्लस में मैं अपने ऑप्शनल को अच्छे से टाइम दूँगी, पहले मैं अपना ऑप्शनल कवर करूँगी और प्लस में रिवीजन करूँगी जो मैं पढ़ चुकी हूँ, उसके बाद मैं नया चीज में जंप करूँगी, जैसे करेंट अफेयर पढ़ूँगी, देन कोशिश करूँगी मैं आंसर राइटिंग करने का, फिर जो मेरा पोर्शन छूट चुका है फिर मैं उसको पढ़ने का कोशिश करूँगी। तो ये मेरा एक तरीका है पढ़ने का, तो बताइएगा कि तरीका आपको कैसा लगा, नहीं लगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ, मिलूंगी ऐसे ही और वीडियो के साथ, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं लोग एक्टिव ही नहीं हैं, मैं वीडियो तो दे रही हूँ लेकिन लगता है उन तक पहुँच नहीं रहा है या जो भी प्रॉब्लम है। तो चलिए मेरा काम है, मेरा काम करना है, आगे की मर्जी भगवान की और आप लोगों की, देखते हैं या नहीं देखते मुझे उससे नहीं दिक्कत है, मैं अपना काम करूँगी, मैं अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहूँगी, ये मेरा सोच है, चाहे 1 सब्सक्राइबर रहे या 0 रहे या 1 लाख रहे, ठीक है, उतना मैं नहीं सोचती हूँ। तो जब भी देखें वो कोशिश करें मोटिवेट होने का, लेकिन मोटिवेट हों अपने जो कर रहे हैं काम उसमें आगे बढ़ें, ठीक है। देखिए जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आता है, बहुत उतार चढ़ाव आएगा आपके जीवन में, ठीक है, उसको आपको पार करते हुए जाना है, ठीक है। और इस मेरे से ज़्यादा आपको मतलब आप समझ सकते हैं, अब तो मैं उतना कैमरे के सामने अगर बोलती भी नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि अपना जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा मैं ये करूँ, मुझे अभी पढ़ाई करना है, इस चीज़ को मैं अपने दिमाग में डाल चुकी हूँ कि मुझे पढ़ना है, यही एक चीज़ है जो यही है जो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, मेरा लाइफ को ब्राइट कर सकता है पढ़ाई, ठीक है। अब है यूट्यूब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी घर में रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि अपने आप को एक होना चाहिए, अपने आप का जो आपका प्रैक्टिस होता है करने का, मेरा आदत रहा है बोलने का, स्टेज पे बोलने का, मुझे मतलब अच्छा लगता है कि मैं अपना टैलेंट दिखाऊं लोगों को, तो जैसे भी घर में हो तो कुछ ही दब जा रहा है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं किसी भी जरिए से मैं खुद को भी एक्सप्लोर करूँ और लोगों को भी हेल्प करूँ, ये मेरा थिंक है, ठीक है, इसीलिए मैं यूट्यूब पर आई हूँ, अदरवाइज मेरा मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं यूट्यूब पर आऊँगी। तो चलिए बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूंगी ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक।